मित्रों, मैं इस पीसी में आप सबका अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस सुधार का सबसे बड़ा कदम आज हमारी सरकार ने उठाया है। पिछले 50 वर्षों से बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी पुलिस आयुक्त प्रणाली की, विषय बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। यह पुलिस सुधार के लिए समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए और जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, जिस पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई न होने से न्यायपालिका हमेशा सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये वर्षों से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि पुलिस आयुक्त की प्रणाली यहां पर भी लागू की जानी चाहिए। पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी 10 लाख से ऊपर की आबादी के नगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रदेश के अंदर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए कदम उठाने की जो एक इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किए जाने का परिणाम था कि इतने वर्षों तक यह कार्य नहीं हो पाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें लखनऊ अगर 2011 की आबादी के हिसाब से हम लखनऊ महानगर की आबादी को देखें तो यह 29 लाख से अधिक है, यानी आज के दिन पर 40 लाख की आबादी लखनऊ शहर के अंदर निवास करती है। और नोएडा के अंदर अगर हम 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो 16 लाख से अधिक की आबादी नोएडा में निवास करती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग 25 लाख के आसपास नोएडा के अंदर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का ये पूरा जो जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद है, ये पूरा का पूरा इससे कवर होता है। 25 लाख की आबादी वहां पर आज के दिन पर निवास कर रही है। इस आयुक्त, पुलिस आयुक्त प्रणाली में लखनऊ सिटी को जो पिछले कैबिनेट में नगर निगम के विस्तार के बाद आगे बढ़ा है, इसमें कुल 38 थाने थे जिसमें दो नए थाने हम लोगों ने बढ़ाए हैं। कुल 40 थाने मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में इसको मान्यता देते हुए पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए हम लोगों ने उपयुक्त माना है। और यहाँ पर पुलिस आयुक्त एक अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का, एडीजी स्तर का अधिकारी पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य करेगा। उनके साथ दो
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर जो आईजी रैंक के होंगे उनकी तैनाती उनके साथ में एक लॉ ऑर्डर के लिए और एक क्राइम की दिशा यहाँ पर होंगे। इसके अलावा एसपी रैंक के भी यहाँ पर अधिकारी तैनात होंगे जिनकी संख्या 9 के आसपास होगी। पहली बार हम लोग इन सभी क्षेत्रों में यह व्यवस्था देने जा रहे हैं कि स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में इन शहरों को विकसित करने के लिए महिला सुरक्षा के लिए खासतौर पर एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी को यहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल तैनाती दी जा रही है जो महिलाओं से संबंधित अपराधों महिला अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और महिलाओं के साथ होने वाले या बालिकाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और उन अपराधों की समय पर विवेचना हो, चार्जशीट दाखिल हो और फिर समय पर प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाया जा सके, इस दिशा एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी और एक एडिशनल एसपी रैंक की अधिकारी महिला इन पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले जो हमारे नए क्षेत्र बन रहे हैं इन पे तैनात करने का निर्णय लिया है। दूसरा, यातायात पुलिस एक एसपी रैंक का और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को भी यातायात की दृष्टि से विशेष रूप से तैनाती इन क्षेत्रों में दी जा रही है जो यातायात के बेहतर व्यवस्था के साथ साथ निर्भया फंड के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे यातायात की बेहतर व्यवस्था के लिए जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है ट्रैफिक लाइटिंग आदि के बारे में भी इस कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करते हुए ये कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है ये प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक पुलिस कमिश्नर जो एडीजी स्तर का अधिकारी है उसकी तैनाती का निर्णय लिया है। उनके साथ दो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे उनको तैनात करने का निर्णय लिया है। 5 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी वहाँ पर उनके साथ रहेंगे और ये भी तय किया गया है कि वहाँ पर भी एक अधिकारी लेडी महिला पुलिस अधिकारी जो केवल महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने समय पर इन सभी महिलाओं से संबंधित अपराधों के विवेचना करने उनके प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने और महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टि से वहाँ पर तैनात होगी और एक पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी केवल ट्रैफिक की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए इन क्षेत्रों में तैनात होंगे। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी हम लोगों ने तय किया है कि वहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली में कुछ नए थाने बनाने की आवश्यकता महसूस होगी और उसके लिए भी 2 नए थाने तात्कालिक रूप से वहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं और ये कार्रवाई वहाँ पर आगे बढ़ चुकी है। इस व्यवस्था में पुलिस आयुक्त प्रणाली में एक पूरी टीम वर्क पुलिस की काम करती है जिसमें पुलिस कमिश्नर के पास कुछ मिनिस्टेरियल पावर दिए जाते हैं जिससे वह एक प्रभावी और स्मार्ट पुलिसिंग को आगे बढ़ा सके और यह प्रणाली लागू करने के साथ उन्हें 15 ऐसे अधिकार भी उन्हें दिए जा रहे हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। ये उनको ये पावर डेलीगेट होंगे, उसके बाद वे इस बात के लिए अधिकृत तो होंगे कि कौन से अधिकारी को उनके अधीन करने वाले कौन से अधिकारी को कौन से पावर उनको डेलीगेट करने हैं पुलिस आयुक्त तो स्वयं ही वहां पर तय करेंगे। ये कार्य मुख्य रूप से आज का ये पुलिस सुधार और पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर
पुलिस व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ये दिन है। मैं विश्वास करता हूं कि ये पुलिस आयुक्त की प्रणाली उत्तर प्रदेश के अंदर इन दो शहरों में प्रभावी ढंग से सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और बेहतर परिणाम देकर के आम जन के विश्वास को हासिल करने में सफल होगा। मुझे यही जानकारी आप सबको यहाँ पर देनी थी और इसीलिए मैं विशेष रूप से आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हमने अभी इसको लागू किया है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में कभी पीछे नहीं हटेगी। हाँ, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है और अपने पुलिस एक्ट के उन प्रावधानों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने प्रणाली यहाँ पर लागू की है।